घाटी में बाली ऑफ फ्लावर्स में आपका स्वागत है। दिस इज इनटू द वाइल्ड वैशाली त्यागी कर रहे हैं जंगल में हम हाइकिंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गंगारिया। दिस इज आवर डे 3 और डे 4 आई गेस। अभी हम लोग निकल रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं, इट्स ऑलमोस्ट 8:30 राइट नाउ। और अभी हम चेक पॉइंट पर भी नहीं गए हैं, चेक पॉइंट पर भी थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज वह बैग चेक होता है, पर्ची कटती है, उसके बाद निकलेंगे। तो अब क्वाइट लेट बट, और आज बहुत धूप है बाय द वे, एक मानसून ट्रैक है। कल तो इतनी बारिश हो गई और आज इतनी धूप है। तो ये सामने का रास्ता हेमकुंड का है एंड लेफ्ट में जो जा रहा है रास्ता ये है फूलों की घाटी का, यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स का रास्ता। दिस इज़ अ 4.5 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक विच इज़ क्वाइट मॉडरेट एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉनसून ट्रैक्स टू डू इन इंडिया। तो गाइस, दिस इज द चेक पोस्ट ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे बैग्स चेक होता है, परमिट्स बनता है, दैट इज़ 150 रुपीज़ एंड बैग्स चेक होते हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर कैरिंग। चेक पोस्ट पे 150 रुपये की पर्ची कटी है, देयर टोल्ड अस कि अगर हम कोई भी प्लास्टिक छोड़ के आए अंदर तो हमारे ऊपर 10,000 रुपीज़ का फाइन लगेगा। अच्छी बात है, वैली क्लीन रहेगी इस वजह से, एटलीस्ट इट्स अ गुड इनिशिएटिव। एंड लुक एट द व्यू। Hey everyone, this is Vaishali Tyagi and welcome or welcome back to my YouTube channel. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं ट्रैवल कंटेंट पोस्ट करती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। एंड दिस इज़ एपिसोड नंबर 4 वेर आई एम डूइंग द ट्रैक ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स। इससे पहले 3 और एपिसोड्स आ चुके हैं सीरीज़ में एंड अगर आपको वो एपिसोड्स देखने हैं तो मैंने वो ऊपर लिंक कर दिए हैं एंड ऑल्सो दे आर अवेलेबल इन माई डिस्क्रिप्शन। ये है जेरेनियम। जेरेनियम बोलते हैं। मैंने कभी देखे नहीं है। ये पॉइजनस वाला है। टच देम, डू नॉट टच देम। पॉइजनस मशरूम, वो तो पता कहां रास्ता है। नेवर सीन दोस बिफोर। This tour was a dream come true for me. Like I saw beautiful pictures of Valley of Flowers way years back during my school time and since then मुझे इस जगह को विजिट करना था but I never thought कि मैं कभी ट्रैक करने जाऊँगी and this experience that I had was a dream come true. This I was living my dream at this moment and I was so excited to be here. कब से चलाते हो पिट्टू? मैं एक महीना इतना वेट उठा लेते हो कुछ ऐसे, रात को पीठ में दर्द नहीं होता? हमारे तो कल उतरते हो गया। नहीं, पहले होता था, अब होता है। आपको कैसी लगती है वैली में रहना? सुंदर। दिस इज सो सूथिंग इन द मिडल ऑफ द जंगल। वी इन द मिडल ऑफ द जंगल, इट्स द वॉइसेस ऑफ नेचर। बहुत ही सूथिंग एक्सपीरियंस। भीड़ है लेकिन इट्स फाइन। ये क्या है? कोई ये क्या है? ये बेरी है, वाइल्ड बेरी बोलते हैं इसको। यू कैन ईट देम। खा के टेस्ट करके बताओ कैसा है। बहुत मस्त। टेस्टी है। यस। और है क्या? मैं तो बोलता हूँ। टेस्टी नहीं होगा। टेस्ट कर लूँगा। खट्टा है। So
सो ये जो आप रिवर देखोगे ये पूरी वैली में बहती है, एंड दिस इज द पुष्पावती रिवर दैट फ्लोज थ्रू द एंटायर वैली ऑफ फ्लावर्स इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट. एंड लुक एट दिस रिवर, इट इज सो ब्यूटिफुल, सो मैग्निफिसेंट, एंड इतना ब्यूटिफुल फ्लो है इसका, लाइक इट वॉज जस्ट कम्प्लीटली मैजिकल. तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये भोजपत्र है जो कि आपको बहुत अबंडेंस में मिलेगा वैली में. पहले के जमाने में जब पेपर नहीं होता था तो भोजपत्र पे लिखा जाता था. काफी सारे हमारे जो वेद पुराण है वो भोजपत्र पे ही लिखे गए हैं. बट यू नीड टू नो कि आप इसे वैली से बाहर लेकर नहीं जा सकते. Can you see, like, till there, लोग चल रहे हैं. क्लाउड आने शुरू हो गए हैं. वैली में वेदर इतना जल्दी जल्दी चेंज होता है, लाइक एक सेकंड में बारिश, एक सेकंड में धूप, एंड इट इज सो लाइक मैजिकली ब्यूटिफुल. एंड आई वॉज सो हैप्पी टू बी देयर एंड टू विटनेस दिस ब्यूटिफुल वेदर. हम बस डालिए थोड़ा सा पीछे हैं. ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर हमने कर लिया बिना रुके. टू हो गया ना. हाँ ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर. मम माता जी को देखिए, मजे में आ रही है. मजे में 2 किलोमीटर डन. टू गो. क्या रख ऐसे वाली ऐसे भी जाती है बट ऐसे पता नहीं कब जाएगी. अभी बस ऐसे जा रही है. बोलते हैं कि नीचे जाएगी. उफ, बट यू आर डूइंग इट in the background of the in the background of this beautiful flowers behind me. भाई जी मेरे को समझ नहीं आ रहा ऐसे ऐसे करके मैं कैसे चढ़ के आ रही हूँ. I have no clue but I'm doing it just fine. So almost we have done 2-2.5 kilometers of this steep chadhaiya but itna mushkil nahi hai. And you know there's a proper trail so aap wo trail follow karke akele bhi aa sakte ho. You don't specifically need a travel guide for here and bahut hi beautiful feeling aa rahi hai jungle mein ghoomne ki. And see I got a flower. So yeah, so इट्स मॉडरेट. यस कल वाला ट्रैक बहुत डिफिकल्ट था हेमकुंड का. दिस इज ब्यूटिफुल, सो लाइक गुड वेदर एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग स्मूथली. सो आई लव इट. This is Into the Wild with Vaishali Tyagi. And here is our Vansh Tyagi. Cameraman Vansh Tyagi. कर रहे हैं जंगल में हम हाइकिंग. सो टेकिंग दिस मोमेंट टू से कि पानी पीते रहना चाहिए एंड हाइड्रेशन इज सो इम्पॉर्टेंट वाइल ट्रैकिंग. अदरवाइज आपका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है. सो पानी पीना बिल्कुल ना भूलें. एंड यहाँ का जो पानी है इस रिवर का, इतना मीठा पानी, इतना मीठा पानी मैंने कभी नहीं पिया लाइफ में. एंड मैं तो यहाँ से बॉटल्स भर भर के लेके जाना चाहती थी, इतना अच्छा पानी था. Thank you.
बॉल पे पैरों में घजा घज पानी भर गया, लेकिन मजा आया। वॉटरफॉल इतने सुंदर होते हैं ना हर जगह के, लाइक पूरा यू नो दिन बन जाता है वॉटरफॉल से। भाई नीचे का रास्ता आ गया, मजा आ गया। अभी चढ़ के जा रहे थे, अब नीचे जा रहे हैं। इट्स क्वाइट इजी एंड द व्यू फॉर द होल रास्ता इज क्वाइट मस्त है। गाइस फूलों की घाटी में, वैली ऑफ फ्लावर्स में आपका स्वागत है। वो पूरी जो आप देख रहे हो वहाँ पे वो वैली है, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। बहुत सारे ब्रिजेस और जंगल को क्रॉस करके हम फाइनली पहुंच चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में, जिसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था 1982 में एंड इट वाज अनाउंस एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2005। दिस इज अ पैराडाइज फॉर ट्रैकर्स। इट हैज सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग व्यूज टू ऑफर। ऑल्सो यहाँ पर 600 से भी ज्यादा तरीके के फूल पाए जाते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड में। ओह गॉड, आई वाज सो शॉक्ड टू सी दिस। लोगों की मेहनत देख लो एक फोटो खींचने के लिए। फूलों की घाटी इज टू मच क्राउडेड। भाई इतनी भीड़ देख के आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड। मैन आई थॉट टू माई सेल्फ कि इस वाली के लिए तो मैं नहीं आई थी जो इतनी क्राउडेड है। बट द ट्रिक इज़ कि आप थोड़ा सा वेट करो एंड थोड़ा सा आगे जाओ। ज़्यादातर आई एम टेलिंग यू 90% ऑफ द पीपल गो बैक फ्रॉम द इनिशियल फोटो पॉइंट। जो बिल्कुल आप एंटर करते हो वहाँ पे जो फोटो पॉइंट है, दैट एरिया से लोग वहाँ पे फोटो करा के थोड़े बहुत फ्लावर्स देख के वहीं से वापस हो जाते हैं। सो अगर आप थोड़ा सा वेट करो एंड थोड़ा वैली को एक्सप्लोर करने आगे चले जाओ तो आपको बिल्कुल वैली खाली मिलेगी एंड थोड़े बहुत ही लोग मिलेंगे। स्टार्टिंग में डेफिनेटली बहुत भीड़ है। वैली ऑफ फ्लावर्स वॉज फाउंड इन 1930s, समवेयर अराउंड 1930s 31। सो यहाँ पे तीन माउंटेनियर्स आए थे, ब्रिटिश माउंटेनियर्स, और वो कहीं और का ट्रैक कर रहे थे किसी माउंटेन का एंड बाई मिस्टेक वो इस वैली में आ गए। सो उनमें से जो एक माउंटेनियर था फ्रैंक एस स्मिथ, उन्होंने इस जगह पर एक बुक लिखी और उसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स एंड दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज कॉल्ड वैली ऑफ फ्लावर्स। जंगल के अंदर से चल के निकल रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। देखो जो लोग उस स्पॉट से वापस होते हैं ना, थोड़ा सा घूमो, वैली एक्सप्लोर करो। वैली बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड ट्राई टू गो एज मच फर्दर एज यू कैन। आई थिंक जो फर्स्ट पॉइंट है उससे हम 2 किलोमीटर तो आगे आ गए हैं एंड देयर इज अ रिवर अराउंड हियर। सो या पैक लंच इन बिटवीन द जंगल, यहाँ कुछ और नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, आधे रास्ते के बाद मेरी हालत खराब हो गई है इनके चक्कर में, क्योंकि इनका फालतू का लगेज मैं उठा के लाता हूँ जो ये यूज भी नहीं करते। हैशटैग जस्टिस फॉर वंश। सो ये जो आप दूर में रिवर का बैंक देख रहे हो, ये पुष्पावती रिवर का बैंक है। ये अराउंड वैली के अंदर 5 किलोमीटर वॉक करने के बाद आपको मिलता है एंड इट इज़ अ वेरी अमेजिंग पॉइंट टू सिट डाउन एंड रिलैक्स। अगर आप टाइम से आते हैं तो आप रिवर बैंक तक जा सकते हैं एंड वहाँ से जो रिवर की दूसरी तरफ है आपको वाइल्ड बेयर्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली डू नॉट मिस दिस। सो गाइस
सो गाइस बहुत लेट हो गया था तो हम रिवर बैंक तो नहीं कर पाए क्योंकि वो और आगे 3 किलोमीटर थी। हम द वैली 3 किलोमीटर वाइड एंड 10 किलोमीटर लॉन्ग, तो हम 4-5 किलोमीटर तक तो आगे आए हैं, बट रिवर बैंक के लिए और टाइम चाहिए था और अभी ऑलरेडी 2 बज गए हैं और हमें नीचे जाना पड़ेगा। सो मैं लिटिल डिसअपॉइंटेड, आज सुबह लेट हो गए। अभी राइट नाउ आई एम थिंकिंग यहाँ से देयर इज़ अ वे टू द ग्रेव ऑफ अ लेडी जो कि यहाँ पर ही उनकी डेथ हुई थी। शी वॉज अ बॉटनिस्ट, शी वॉज अ बॉटनिस्ट एंड शी वॉज ट्रैवल, शी वॉज हेयर टू पिक सम फ्लावर्स एंड वो फ्लावर्स पिक करते करते ना गिर गए यहाँ पे। सो शी हैज़ हर ग्रेव विच इज 700 meters डाउन। आई ट्राई टू गो देयर एंड शूट इट बट वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। आई एम लिटिल डिसहार्टेंड एंड डिसअपॉइंटेड कि वो नहीं हो पाया। टू ऑल द पीपल हु आर कमिंग टू द वैली आई विल गिव अ सजेशन टू कम अर्ली मॉर्निंग एज पॉसिबल। जैसे 7 बजे से चेक पोस्ट शुरू हो जाता है तो 7 बजे पहुँच जाओ बिकॉज फिर आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा एंड देन मुश्किल होगा। मुझे थोड़ा थोड़ा डर सा लग रहा है, मैं पूरे जंगल में अकेले अकेले चलती जा रही हूँ। अभी सिर्फ 1% दिखा मुझे इस रास्ते पे। आई डोंट नो इफ पीपल आर देयर। स्टिल 200 meters। आई एम अ लिटिल स्केयर्ड नाउ। सो वैली से वापस जाने का करेक्ट टाइम इज़ 2 or 2:30 PM ताकि आप 5 बजे या 5:30 बजे तक नीचे पहुंच जाए बिकॉज 6 o'clock तक चेक पोस्ट बंद हो जाता है। अगर ऊपर कोई भी इंसान रह जाता है तो उसको ढूंढने के लिए वो लोग रेंजर्स भेजते हैं। सो यू हैव टू बी बैक टिल 6 PM, 6:30 मैक्सिमम। सो इसीलिए हम लोग 2:30 बजे वहाँ से निकल गए थे। ओके सो गाइज इट्स अराउंड 6:30 एंड वी आर बैक एट आर होटल। थोड़े से स्नैक्स खाए थे। लिटिल डिड समथिंग अबाउट वैली ऑफ फ्लावर्स फॉर द गर्ल्स। वॉशरूम एक दो ही अवेलेबल है सो आपको थोड़ा कंट्रोल ही करना पड़ेगा। देर इज़ नो वॉशरूम इन द वैली एंड उसके सिवा वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। यू नो आई सी वीडियो में इतना अच्छा नहीं कैप्चर हो सकता जितना अच्छा है ये वैली जो है वो सामने से लगती है। सो आई वुड रियली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू गो टू दिस ट्रैक वंस। इट्स अ मॉडरेट ट्रैक, आई थिंक एवरीबडी कैन डू इट एंड माई मदर वॉज ऑल्सो देयर सो उनसे नहीं हो रहा था तो शी डिड इट विद पिट्ठू ऑल्सो। बट आई थिंक दिस वैली इज वर्थ अ विजिट, डेफिनेटली वर्थ अ विजिट। इट्स ब्यूटिफुल। Hey, thank you guys for watching this video. If you like my content, please consider subscribing to my channel and like this video, comment and share and let me know how did you like this video and meet you in the next vlog.